हेलो हेलो हेलो। तो सुबह हो चुकी है, बाकी अब हम चलने के लिए रेडी हैं। बाकी व्यू देख लो जरा यहाँ से गंगोत्री के पीछे। बाकी जिनको नहीं पता हम कहाँ आ गए अभी। तो जी अभी हमें उत्तरकाशी में, और कल हम निकले थे घर से और बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारों के साथ हम पहुँचे थे देवप्रयाग पर, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं और वो नदियाँ मिलाती है गंगा जी को। उसके बाद हम निकले टीरी डैम की ओर, फिर वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते उत्तरकाशी के खेड़ी वाटरफॉल में पहुँचे, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो अब चलते हैं हम हर्षिल की मस्त मस्त हसीन वादियों की ओर। तो भाई साहब एक शानदार जगह पे रुके थे हम, काफी देर से फोटो वोटो खिंचवाई, तो अभी मिलेंगे, हमें नजारे ही नजारे और होंगे फोटो ही फोटो। तो ये देखो भाई, पहाड़ों से भी आ रहा है पानी, पहाड़ों से नहीं सॉरी पत्थरों से भी आ रहा है पानी। बाकी भाई बोल रहा था कि इधर एक टनल है पुराने जमाने की, तो वहाँ हम जा नहीं सकते। पर नहा लो नहा लो, ठंडे ठंडे पानी से, ठंडे पानी से नहा लो। ये पहुंच गए देवदारों की छाओ में और ठंडी ठंडी हवा में। बाकी यहाँ पर झरना देखो जरा कितना खतरनाक है, ठीक मेरे पीछे। तो अभी अभी हमने एक गेट में एंटर किया है और ये पूरा का पूरा आर्मी कैंट है भाई। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रक है, टैंक्स है और आर्टिलरी भी है, तो इसका रीजन हम आगे बताएंगे आपको कि इतना सारा सामान यहाँ पर क्यों रखा है इन्होंने। गेट पर एक सरदार जी ने हमको बताया, जो कि आर्मी वाले थे, उन्होंने बताया कि आगे एक व्यू पॉइंट है, तो हम चल पड़े व्यू पॉइंट देखने। जो मैंने एक झरने वाली वीडियो बनाई थी वो यहाँ बैठ के बनाई थी हमने, और वो झरना यहीं से जा रहा है ऊपर से। और अगर हम बात करें हर्षिल तक पहुँचने की, वहाँ तक कैसे पहुँचे हम, तो सबसे पहले आप चाहे कहीं के भी हैं, हरिद्वार, कोटद्वार या फिर देहरादून, आपको आना पड़ेगा सबसे पहले ऋषिकेश धाम या फिर ऋषिकेश शहर में। तत्पश्चात आपको टिहरी चंबा होते हुए उत्तरकाशी शहर पहुंचना होगा। उसके बाद उत्तरकाशी से कुछ ही दूरी पर है हर्षिल वैली, जहां कि आप अभी पहुंच चुके हो, और ये सच में बहुत ही प्यारी जगह है। तो हर्षिल की सबसे मस्त जगह पर चलते हैं अभी, लामा टॉप। तो चलो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं लामा टॉप को, और इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा की कैमरा देखा होगा अभी आपने, हिल रहा था खतरनाक, और हम भी हिल रहे थे कैमरे के साथ साथ। बाकी जैसे हम यहाँ पहुँचे हर्षिल में, बहुत सारे फौजी के ट्रक और टैंक्स और आर्टिलरी जिनसे फायर करते एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, वो यहाँ तैनात हो रखे। इसका एक रीज़न है, यहाँ पर सीन ये हुआ कि जो चाइना के साथ हमारी एक संधि थी, मुझे नाम नहीं पता उस संधि का, तो यहाँ पर एक नीलॉन वैली है, मतलब एक और जगह है यहाँ पे निलोंग, तो 2024 में वो संधि ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करेगा कि चाइना वहाँ से इधर आएगा फिर अपनी, मतलब संधि ख़त्म हो गई तो अपनी ज़मीन लेने आएगा चाइना। तो उसके लिए यहाँ पे पूरी की पूरी फौज, मतलब इतनी लहजोन मेन सेंटर है जो वहाँ भी नहीं है देखी मैंने आज तक, यहाँ इतनी सारी फौज भर रखी है और इतने सारे हथियार, टैंक और आर्टिलरी और ट्रक्स तो बहुत सारे हैं और फौजी भी बहुत सारे हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं लामा टॉप के लिए, चढ़ाई बहुत ज़्यादा लग रही मेरे को, पहली बारी खड़ी चढ़ाई एकदम। मैं एक बादल में चलता रहा। अभी हम देवदार के पेड़ों के बीच में चल रहे हैं, और कसम से खुशबू आ रही जो बढ़िया वाली देवदार के पेड़ों से। ओहो क्या बात है।
ये देखो ये सेब की खेती हो रही है यहाँ पे, छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे जो। और ये है तुम्हारी गंगोत्री, तुम्हारी नहीं हमारी, हम सब की प्यारी प्यारी गंगोत्री जी। बाकी अभी लामा टॉप थोड़ा ऊपर है, अभी हम थोड़ा सा नीचे, अभी और हाइट पे जाएंगे हम। मरियल आदमी की फौज तेरा भाई तू। चल चल चलो चलो, जो जोश आ गया, जोश आ गया भाई 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 भाई। चलो भैया गिरना मत कोई। ओ भाई चट्टान ही चट्टान, तो शायद हमको यहीं ऊपर जाना है अभी, पर इसके पीछे से घूम के जाएंगे हम। यहाँ पर एक और पहाड़ है जिसका रास्ता यहाँ से नीचे से, लेकिन एक भाई साहब इधर से जा रखे, चलो यहीं से चलेंगे हम। एवरेस्ट की चढ़ाई पहुंच गए बुर्ज खलीफा की छत पे। ओ भाई ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब पास नहीं फिर भी चीचारी है। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चुप डरा। भाई साहब इधर तो डर लग रही खतरनाक वाली, छिपकली देख लो। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई। तो अब चलते पहाड़ी के दूसरी साइड को। चिल्ली हेलमेट नहीं छोड़ रहा, क्या बात होगी चिल्ली, पूरा सफर में हेलमेट नहीं छोड़ा भाई साहब ने तो। बहुत पतला पतला रास्ता है इधर, ये देखो जरा हेलमेट वाले बाबा। तो भैया जरा भी पैर फिसल गया तो सीधा जाओगे नीचे। किसी ने यहाँ पे बुद्ध की पेंटिंग बना रखी छोटी सी, सिक्के। तो इसके पीछे का रीजन हमें नहीं पता। एक एक सिक्का इन दोनों ने भी ठोक दिया इधर, टूरिस्ट ने और चिंटू बुला ने। अभी हम बैठे यहीं पर दलाई हिल में, आगे तो बहुत सुकून मिल रहा है। बाकी जो आंखों से दिख रहा है वो कैमरे में नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके लेंस उतने अच्छे नहीं है जितने हमारी आंखों के। तो काफ़ी देर से बैठे, अब सोच रहे चलते यहाँ से दूसरी जगह कहीं। तो ये था कुछ अपना हरसिल में लामा टॉप। तो बताओ जरा लामा टॉप कैसा लगा आप लोगों को। तब तक ले वीडियो ख़त्म करते हैं और अब चलते कहीं दूसरी जगह, या फिर घर चलेंगे या गर्तांग वैली चलेंगे। खाई देगी आराम से जावे तू तो।